डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग के ऑनर में रखी गई एक ग्रैंड पार्टी, जिसमें शामिल हुए बॉलीवुड के बड़े से बड़े सेलेब्स। आइए देखते हैं किन किन स्टार्स ने इस इवेंट में शिरकत की। विद्या बालन लगातार दूसरी बार बन गई है द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न की ब्रांड एम्बेसडर, और इस बात की अनाउंसमेंट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां विद्या के साथ नजर आए अरबाज खान, मलाइका अरोरा खान, दीपान्विता शर्मा और कई सेलेब्स। शूट आउट एट वडाला के रिलीज के बाद जॉन अब्राहम और डायरेक्टर संजय गुप्ता एक और एक्शन फिल्म पर एक साथ काम करेंगे, और इस खबर को जॉन ने खुद कंफर्म किया। वैसे जॉन का कहना है कि अब वो फिलहाल एक्शन फिल्म्स पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि ऑडियंस उन्हें इस अंदाज में काफी पसंद करेगी। अजय देवगन और बिपाशा बासु ने रिसेंटली एक सोशल कैंपेन के प्रोमो की शूटिंग की, जिसका टाइटल है वेयर टाइगर्स रूल, विच विल सी देम अर्जिंग पीपल अबाउट द नीड टू सेव द टाइगर एट एनी कॉस्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिशिता भट्ट, सिंगर सोनू कक्कर और डॉली बिंद्रा और कई एक्ट्रेसेस को हीरा मानेक वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड से फेलिसिटेट किया गया। हियर्स अ स्नीक पीक।